हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कलर्ड गनाश बनाना, जिसके लिए हमको व्हाइट चॉकलेट चाहिए। ये मोर्डे का मैंने 400 ग्राम चॉकलेट लिया है। और ये अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है 250 ग्राम। अब चॉकलेट को हमें चॉप करना है। ये हमारे चॉकलेट चॉप हो गए हैं, अब इसे हम माइक्रोवेव में गरम करेंगे, क्रीम इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमें इसे कम से कम एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में गरम करना है। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। इसी तरह से आप डार्क चॉकलेट गनाश भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, बट कुछ पार्ट्स अभी भी रह गए हैं इसमें। आप इसे फिर से गरम कर सकते हैं दोबारा, एक मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। चॉकलेट को हमेशा, गनाश को हमेशा धीरे धीरे ही गर्म करना है, एकदम से हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना है। ये हम कुछ व्हाइट जेल कलर मैंने मिक्स किया है, क्योंकि जो चॉकलेट गनाश होता है ये थोड़ा ऑफ व्हाइट कलर का होता है, तो इसमें जब भी आप कोई कलर मिक्स कर रहे हैं तो वो और ब्राइट उभर के आएगा। अब हम इसमें कुछ अपने जेल कलर्स ऐड करेंगे कलर करने के लिए गनाश को। व्हाइट चॉकलेट गनाश के साथ आप हमेशा आपको जेल कलर ही यूज करना है, लिक्विड कलर हम यूज नहीं कर सकते हैं। जेल कलर जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं, यहां मैं अमेरिके जेल कलर्स यूज कर रही हूं, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है। ये अमेरिके मैंने कुछ कलर्स लिए हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल। अब हम इसमें अपने जेल कलर मिक्स करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एक ड्रॉप आपको डाल के देखना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल हो गया। ये रेड कलर है, सुपर रेड कलर अमेरिका। अगर आप इसको और ब्राइट करना चाहते हैं तो एक ड्रॉप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये चॉकलेट और डार्क हो गई है। इसी तरह से आप अपने जो दूसरे कलर्स हैं, दूसरे जो चॉकलेट गनाश के हैं, वो आप कलर कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए इससे आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रीन और ब्लू कलर लिया है। ये आपको, ये सारे कलर्स आपको अमेज़न पे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो आपको काफी अच्छी डील्स पे ये मिल सकते हैं। ये जो कलर गनाश मैं आपको बता रही हूँ, ये मोस्टली मैं ड्रिप्स के लिए यूज करती हूँ, जब हम केक पर ड्रिप्स बनाते हैं। इसलिए मैंने ये चॉकलेट और क्रीम का इक्वल पार्ट में लिया है।
अगर आप फ्रॉस्टिंग के लिए व्हाइट गनाश बनाना चाहते हैं तो आपको 3:1 में लेना पड़ेगा, 3 पार्ट में व्हाइट चॉकलेट लेनी पड़ेगी और 1 पार्ट में आपको अमूल का क्रीम लेना पड़ेगा। ये मैंने ड्रिप्स के लिए बनाए हैं, इसलिए मैंने बराबर इक्वल पार्ट में दोनों चीज ली है। ये हमारे चॉकलेट कलर्ड गनाश रेडी है, आप जरूर ट्राई कीजिए घर में, ये बहुत इजी होते हैं और केक पे बहुत अच्छा लगता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।